त्योहार की नौ दुर्गा का टाइम चल रहा है। पूजने के लिए तो सबको कन्या चाहिए, लेकिन अपने घर में कन्या किसी को नहीं चाहिए। यह अधिकार उन लोगों को नहीं है जो लोग कहते हैं बेटी को पढ़ा लिखा के क्या करोगे। उन्हें जिन्हें बेटियों को पढ़ाने में दिक्कत है, उन्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जब डिलीवरी का टाइम आए अपनी स्त्री या अपनी बहन का, तो यह पूछे कि लेडी डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में नहीं है, नर्स नहीं है, आपको क्या अधिकार है। अपने घर में तो कन्या नहीं चाहिए, लेकिन आपको लेडी डॉक्टर जरूर चाहिए। व्यवहार सामान्य ही रखिए ना। जब आपको पुरुष ही पसंद है, बालक ही पसंद है, तो अपने बेटे की शादी की एक बालक से कराइए, उसमें क्या परेशानी है। एक बालक को आपका था ही, दूसरा बालक आपको दहेज में मिल जाएगा। अगर यह बात गलत है तो समाज का चाहे स्त्री है या पुरुष है, कोई भेदभाव न कीजिए। सामान्यतः कन्या का भी उतना ही अधिकार है जितना आपके बालक का है। कन्या पूजन के लिए तो आपको कन्या चाहिए, लेकिन आपके घर में कन्या नहीं होनी चाहिए। यह भेदभाव बंद कीजिए, तभी माता सच्चे मन से प्रसन्न होंगी। दिखावे से माता प्रसन्न नहीं होती कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। मन में आप सोचते हैं जय दुर्गा जय दुर्गा, और बाहर कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सोचते हैं कि कन्या नहीं चाहिए। कन्या ही तो इस संसार की जननी है, स्त्री ही तो जननी है। अगर कन्या नहीं होगी तो मनुष्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि स्त्री ही जन्मदाता है एक पुरुष की। आप जानते होंगे कि जो हमारी माता और बहन बुआ है, वह भी एक स्त्री ही तो है। अगर वंश बढ़ा है तो वह हमारी माता की दादी की